आप घर के मुख्य द्वार पर भले ही डबल डबल लॉक लगाकर कहीं जाएं, परंतु गुंडों की गुंडागर्दी के आगे सब बेकार है। ताज़ा मामला थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत वैशाली कॉलोनी का है। परिवार का मुखिया घर के गेट पर डबल लॉक लगाकर अपने ससुर की अंत्येष्टि में चले गए। बदमाश घर के ताले तोड़कर 2.25 लाख रुपए नगद, 16 तोले सोने के जेवर आदि अन्य कीमती सामान ले उड़े। हमारे घर में चोरी हो गई सर, हम कल खुर्जा गए हुए थे, हमारे ससुर की अरिष्टि थी जी। अब रात चोर आए, चोर ने मेन गेट का ताला तोड़ा है, ताले भी डबल लगे हुए थे, दोनों ताले तोड़े हैं, अंदर सेकंड गेट भी तोड़ा है, सेकंड गेट का शीशा तोड़ने के बाद में अंदर बढ़े हैं। 2.25 लाख रुपए नगद थे रखे हुए, 15 से 16 तोले के लगभग ज्वेलरी थी, इसे वो लूट ले गए। अब सुबह आने के बाद में पड़ोसी ने हमें कॉल करी है, तब हम आए हैं, तब हमें जानकारी मिली, पुलिस को सूचना करी थी, 2 सिपाही आए थे जी, वो देख करके चले गए, उन्होंने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं दी है और वो देख करके चले गए। पड़ोसियों की सूचना पर गृह स्वामी परिवार के साथ घर पहुंचा। घर के हालात देखकर परिवारजनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। गृहिणी का तो रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने बताया, वैशाली कॉलोनी में एक परिवार है जो अपने घर में ताला बंद करके फ्राइडे से ही कहीं गए हुए थे बाहर, और लौट के आए तो उनके घर का शीशा टूटा हुआ था एक जगह, और जहां से लोग कुछ लोग घुस के उनके घर में चोरी किए हैं, वो सूचना मिली, पुलिस मौके पर गई है। लगभग नकदी और कुछ जेवरात उनके गए हैं, अभी वो कन्फर्म नहीं लिख के दे पाए हैं कि हमारे कितने जेवरात गए हैं, जो भी लिख के देंगे उस पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।